So three states, three massive wins, and now the race is on to figure out who exactly would be the chief ministers of these three states. We're talking about Chhattisgarh, Rajasthan, and Madhya Pradesh. Well, the activity has gained steam with a late night meeting at the Prime Minister's residence. Amit Shah and BJP President JP Nadda were also present there to finalize the names. However, on the other hand, Shivraj Singh Chauhan met with beneficiaries of Ladli Behna scheme in Bhopal yesterday. But before that, he also issued an emotional statement saying that he has never been a CM candidate, he's not in the race and only cares about working under the leadership of the Prime Minister. मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, किसी पद के लिए नहीं। और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां सातों विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। But who all are in the race for CM in Madhya Pradesh? Some of the front runners that Times Now learns are being considered for the top job are Shivraj Singh Chauhan himself, Union Ministers Prahlad Patel, Jyotiraditya Sindhya, Narendra Tomar and BJP National General Secretary Kailash Vijayvargiya. तो जहां तक अगर प्रहलाद पटेल से हमने सीधे तौर पर बात करी और उनसे पूछा कि क्या आप अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या नहीं, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि पार्टी हाईकमांड आखिरी निर्णय लेगी। क्या मैं इस समय केंद्रीय मंत्री और भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, कह सकते हैं सर ऐसा? मुझे लगता है कि पार्टी अटकलबाजियों पर नहीं चलती है। परिणाम आ गए हैं, हम सब इंतजार करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होता है वो कार्यकर्ता स्वीकार करता है। Well, ever since Shivraj Singh Chauhan was not made the face of the BJP's campaign in Madhya Pradesh, there have been speculations about him now being replaced. But now with the BJP sweeping 160 plus seats in the state, there is suspense over whether the party can sideline a prominent OBC face. As far as Shivraj Singh Chauhan is concerned, meanwhile, he's been meeting all the Ladli Behnas in Bhopal, and there are still glimpses from the meeting as far as he's thanking the voters, especially the women of Madhya Pradesh. लाडली बहनाओं के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तमाम जो लाडली बहनाएं हैं, लाडली भांजियां हैं, उनके बीच में पहुंचे हैं। राजधानी भोपाल के नेहरू नगर का नया बसेरा ये इलाका है, जहां पर लाडली बहनों के बीच, लाडली बहनाओं के बीच, लाडली भांजियों के बीच, लाडली लक्ष्मी के बीच शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम की जो दावेदारी है वो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग चेहरों की ओर से की जा रही है, और इसमें शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे चल रहे हैं। लगातार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री पद पर हैं, चार बार का टर्म रह चुका है, पांचवी बार एक बार फिर से दावेदारी है। यहाँ जो लाडली बहनाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अम्मा क्या चाहते हो, कौन बने मुख्यमंत्री? सबका एक ही नारा है, शिवराज सिंह भैया हमारा है। भोजन करने के लिए तमाम जो आए हैं, और तो तस्वीरें अपने आप में बताती है कि कितना महत्वपूर्ण आज का दिन है। ये तस्वीरें सबसे पहले बच्चों को खिलाते हुए, लाडली भांजी को खिलाते हुए, लाडले भांजों को खिलाते हुए, और बहुत अहम हो जाती है तस्वीरें तब जब मुख्यमंत्री की रेस जारी है, मुख्यमंत्री की रेस चल रही है। भाई साहब भोजन कैसा बना? अमृत जैसा, अद्भुत है। बहनों का हाथ में, बहनों के हाथ से जो भोजन मिलता है उसमें उनका स्नेह मिला रहता है। इस जीत के पीछे भी लाडली बहनों का ही श्रेय मानते हैं? अब बाकी विस्तार से बात करेंगे। भोजन लाडली बहनों ने कितना प्रेम दिया है इस चुनाव में आपको? हम तो बहुत समय से आपके साथ इस पूरे दौरे में रहे, हर दौरे में रहे, लाडली बहनों का स्नेह मिला, आपने किस तरह से इसका अनुभव किया? आप अनुभव कीजिए ना यहाँ। Now, sources have informed Times Now that the central leadership has identified three potential candidates for the position of chief minister. And we are talking about Rajasthan here.
So the first candidate in the contenders list is said to be Gajendra Singh Shekhawat, who is considered to be the blue-eyed boy of the top brass and has delivered at least 8 of those 10 seats in Jodhpur region alone. The second candidate is Diya Kumari, who has successfully blended her royal heritage with a down-to-earth persona. And we talk about the third candidate. Possible contender is Arjun Singh Meghwal, who has a strong administrative background and is also said to be a favorite among the top BJP central leadership. However, the BJP has stated that the party may still surprise everyone with their choice. This comes a day after Vasundhara Raje hosted dinner party for her aides. वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी तरफ डिनर होस्ट कर रही हैं, तमाम एमएलए को बुलाया गया है। डिनर तो कोई करा सकता है, ये तो उन्होंने बुलाया होगा जो कार्यकर्ता है, जो एमएलए है उनको खाना खिलाया है, तो वही जाने वही जवाब दे सकते हैं। मैंने तो खाना नहीं खिलाया। चलिए अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमित, गुड मॉर्निंग। आखिरकार अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, क्या कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? मंथन अभी भी जारी है, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के आवास पर। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कल रात को बहुत लंबी बैठक चली है, बहुत लंबी, मतलब पहले करीब 2 से 2.5 घंटे अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई है पीएम की, इसके बाद फिर अमित शाह वहां पहुंचे थे, और ये कहा जा रहा है कि 3 तारीख को नतीजे के बाद 4 और 5 यानी कि कल शाम तक तमाम लोगों से जो मंथन हुई थी जेपी नड्डा की और अमित शाह की, इसके बाद कल प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो नाम लगभग तय हो चुका है। 2-3 चीजें तय करनी थी, क्या नया फेस देना है, जो पुराने चेहरे आ रहे थे, चाहे शिवराज सिंह हो, वसुंधरा हो या रमन सिंह, तीनों राज्यों में थे, उसके अलावा क्या नया चेहरा देना है। नए चेहरे देने हैं तो जाति कॉम्बिनेशन देखिए, महिला को अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं वसुंधरा को, तो क्या महिला को ही देना है, या जैसे गजन शेखावत या किसी और का नाम आ रहा है तो वहां पर दलित, तो ये तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि रात में लगभग इन्होंने नाम तय कर लिया है, हो सकता है कि आज एक बार फिर अमित शाह के साथ, नड्डा के साथ पीएम की बैठक हो, लेकिन ऑब्जर्वर्स के नाम तय कर लिया, शाम तक ऑब्जर्वर्स के नाम सामने आ जाएंगे, जो तीनों राज्यों में ऑब्जर्वर्स तय किए जाएंगे, जो कि विधायक दल की बैठक लेंगे और जहां पर नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन नाम लगभग तय कर लिया गया है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि इतनी बड़ी जीत हुई है, इतने बड़े बड़ी मार्जिन से जीत हुई है, तो उसमें वो फ्रंट रनर के तौर पर है। तो ये जो नाम थे, क्योंकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को करना था कि कौन मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव भी है, और जीत बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कास्ट एक फैक्टर है, विधानसभा में परफॉर्मेंस एक फैक्टर है, लेकिन लोकसभा में क्या ये मैजिक चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, इन सब के आधार पर एक चेहरा चुना जाएगा। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।